नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल, मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री भाजपा नेता प्रद्युमन सिंह तोमर से चर्चा। लॉकडाउन के अलावा कोरोना को हराने के लिए कोई और विकल्प नहीं है, इसलिए अभी सिर्फ लॉकडाउन का पालन करना अति आवश्यक है, क्योंकि जान है तो जहान है। यह कहना है मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर का। हमारे साथ चर्चा में उन्होंने देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री के कार्यों की प्रशंसा भी की। उन्होंने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। माननीय पूर्व मंत्री जी प्रद्युमन सिंह तोमर जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद आपको। भाई साहब, अब जैसा कि अब सबको विदित हो चुका है कि लॉकडाउन थर्ड शुरू हो गया है। 17 मई तक 14 दो हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ गया है। अब ये क्या और नई चुनौतियां होंगी इसमें? देखिए, जान है तो जहां है जी, और उसके लिए हमें कुछ त्यागना पड़ेगा तो त्यागेंगे अपनों के। और मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो निर्णय लिया है वो कदम आमजन को थोड़ा सा कठोर हो सकता है, पर उनके लंबे जीवन के लिए, लंबे भविष्य के लिए, परिवार के आपस में जब हम होंगे तभी तो एक दूसरे से मिलेंगे। इसमें कोई उपाय भी नहीं है ना भाई साहब, लॉकडाउन के अतिरिक्त अभी तो फिलहाल शायद? अभी तो नहीं, कोई उपाय भी नहीं है। और सरकार जो भी कर सकती है लॉकडाउन के दौरान आम जनों को भूखा ना रहे, उसकी जरूरत की चीजें उस तक पहुंचे हैं, इस काम में भी सरकार, प्रदेश सरकार और हमारे देश की सरकार सफल हुई है। इस पर भी आऊंगा। पहले मैं एक इसमें एक चीज, लेकिन थोड़ी सी एक विरोधाभास है। लॉकडाउन जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है भाई साहब, कोरोना संक्रमितों की संख्या भी आगे बढ़ती जा रही है। देखिए, जिस तेजी के साथ अन्य देशों में बढ़ रही है। नहीं, वो मैं मानता हूँ जी। देखिए, आप देखिए मेरी बात जी, हमारे यहाँ रेशो बढ़ा नहीं है, हमारा जिस अनुपात में बढ़ना चाहिए उस अनुपात में रेशो गिर रही है। और निश्चित रूप से हमने जो कदम उठाया है वो सही कदम। और जब जिसका पूरा विश्व के मारे हाहाकार मची है, अमेरिका देख लीजिए आप, मतलब कई देश देख लीजिए जो हिल गए हैं, जो अपने आप को बहुत वो मानते हैं। ये मेरा आपसे कहना है कि ये निर्णय जो है ना जी, हम लोग अपनी लक्ष्मण रेखा में रहेंगे तो हम इस कोरोना पे जीत पाएंगे। मतलब लोगों की आर्थिक परेशानियां वैसे ही बहुत बड़ी हुई हैं, हालांकि लॉकडाउन का कोई विकल्प भी नहीं है, मैं इसका भी जिक्र इसमें रख रहा हूँ साथ में। लेकिन अब ये आगे और व्यापार बंद रहना, इससे छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारियों की परेशानी बहुत बढ़ती जा रही है, आगे इससे कैसे निपटते हैं? देखिए, मेरा आपसे कहना है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर परेशानी का समाधान क्या है? कोई नहीं है लॉकडाउन के अलावा। जब हम रहेंगे तो यार, हम जब गड्ढा खोद के रोज पानी पीते हैं तो फामड़े और ज्यादा बढ़ा लेंगे। नहीं, अभी जैसे आपने बात की थी कि सरकारें काम कर रही हैं कि कोई सरकार, देखिए आप देखिए कि गरीबों के खातों में पैसा डाल रही है, गरीबों को राशन दे रही है, ये सारी सुविधाएं देने का काम कर रही है ना सरकार। ये बिल्कुल बहुत अच्छा कार्य है, लेकिन ये हमारे खर्चे भी तो काम कम हुए हैं लॉकडाउन में। हाँ बिल्कुल, पेट्रोल हमारा कंट्रोल हुआ है। हाँ बिल्कुल सहमत हूँ मैं, प्रदूषण भी कम हुआ है। लॉकडाउन के कई फायदे भी हैं, प्रकृति और संस्कृति के हित में भी लाभदायक सिद्ध हुआ है। ये सारी बातें जो है हमें फायदेमंद हुई है। मैं लेकिन एक चीज की तरफ ध्यान आकर्षित आपका करना चाहता हूँ। राहत जो दी जाती है जिस वर्ग को, भोजन और राशन की उपलब्धता, एक मिनट होल्ड करना है, एक मिनट जी। हेलो, कैसे हैं? मेरा एक आग्रह है, ये मेरे परिवार जैसा रिश्तेदार है। मंत्री जी कहीं व्यस्त हैं, वो हमारे साथ फिर जुड़ेंगे, आप रुके रहिए। और एक ये हमारे मेरी विधानसभा के ही हैं आरक्षक 820 चंदन पलराया, इनको भी शायद आपने कुछ डिस्टर्ब किया। तो ये तो जरूरी फोन शायद उनका आ गया है, उस पे वो चर्चारत हैं।
वहाँ से निवृत्त होकर वो वापस हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगे। मैं दोनों को बोलूंगा ये कल आपको कल मिलके आपको इजाजत है आपको मिलने की। हेलो जी ली सर बात कीजिए। हेलो जी मैं आपसे चर्चा कर रहा था राहत पैकेज की। राहत तो सरकारें दे रही हैं, आपने बताया कि केंद्र सरकार प्रदेश सरकार इस दिशा में काम कर रही है कि कोई भूखा न सोए, लेकिन जिस वर्ग को राहत के लिए राहत पैकेज में जिस वर्ग का ध्यान रखा जाता है उस वर्ग को राहत मिल जाती है। एक वर्ग और होता है भाई साहब, निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग, जिसको भी कहीं ना कहीं सरकार से कुछ ना कुछ राहत की आवश्यकताएं पड़ती हैं, लेकिन राहत पैकेज में उसके लिए कोई स्थान नहीं होता। मैं बात कर रहा हूँ छोटे व्यापारियों की, निजी संस्थानों के कर्मचारियों की, 10-20 हजार 15 हजार रुपए मासिक कमाने वालों की, तो उनकी भी कमाई सबकी बंद पड़ी हुई है अभी। तो देखिए मेरा आपसे आग्रह है जी, जो महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूँ जी, हो सकता है ये बात थोड़ी सी कहने में कड़वी होगी जी, दवा कड़वी होती है जी, उसी से बुखार होता है हमारे जीवन की जी। आप बताइए कि मुझे लॉकडाउन में अगर हमको खुदा ना खास्ता हम बीमार हो गए तो पर डे जो हमारा इलाज में खर्च होगा वो तो बच रहा है, तो हमको और इसमें मध्यमी वर्गीय परिवार जिन्हें आवश्यकता है उनको भी हमने राशन उपलब्ध कराने की कोशिश की। आपको मालूम हो कि एपीएल कार्ड धारकों को भी हमने 10 राशन उपलब्ध कराया है, और भी जरूरत पड़ेंगी तो उसके लिए हमारी तमाम समाज सेवी संस्थाएं और हम सब लोग मिलकर के ऐसे जो भी लोग होंगे हम लोग का। प्रधानमंत्री जी की अपील है कि कोई भी संस्था अपने कर्मचारियों का वेतन ना काटे, अपील है, आदेश नहीं है, निर्देश नहीं है, अपील है, लेकिन क्या ये संभव है? देखिए इस संकट के दौरान ये ईश्वर ने, अल्लाह ने हमको मौका दिया है कि हम लोगों के काम आए, उसने हमें ये इस परिस्थिति में इस लायक रखा है, तो ये सो अवसर भी अगर हम चूक गए तो फिर हम इंसान के काम कब आएंगे? तो मैं तो बिल्कुल कहता हूँ कि हमें इंसान के काम आना है जी, ये काम करना चाहिए। मतलब ये पूर्व से चली आ रही है जो हमारे देश में आर्थिक मंदी थी, अभी ये रेलवे वगैरह भी सब बंद है, रेलवे हमारे देश की बहुत आर्थिक को बढ़ाने का एक कार्य करती है, अभी पूरा देश काफी पीछे जाता हुआ अभी दिख रहा है इसमें। विश्व आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है पर देश हमारा जो है ना उस तुलनात्मक दृष्टि से जी ठीक स्थिति में। ठीक है भाई साहब, देखते हैं ये कब तक इससे सर। ओके ओके धन्यवाद, आपने हमें समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संदेश नेमा की रिपोर्ट। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।